चैनल अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं अंश? हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हम लोग मंदिर जा रहे हैं गाइज। और कौन सा मंदिर जा रहे हैं? काली माता। और नानी घर ब्लॉग सीरीज में ये भी ब्लॉग आप अटैच कर लो। नहीं, नानी घर में मत अटैच करो, दूसरा सीरीज, ये दूसरा मंदिर टूर वाले में अटैच है। ठीक है गाइस, तो चलो आपको चलते हैं और हमारे सिटी के मंदिर का दर्शन कराते हैं। वहाँ चलने वाली काली माँ रहती है। कहाँ रहे? उधर पहाड़ में, फोन में देखा था। और यहाँ पे दीदी आ गई है प्रसाद देखने गाइस। जी, तो यहाँ ना ये है सेकेंड मंदिर, ये है सर्वेश्वरी आश्रम। ओके, तो सर्वेश्वरी आश्रम में माता रानी का पूजा होता है और ओघड़पंथ से रिलेटेड यहाँ पे पूजा होता है। ओघड़पंथ यानी कि महाकाल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो मेन मंदिर है ना, वहाँ पे ना काली माता का पूजा होता है। और यहाँ पीछे में छोटे से भोलेनाथ भी थे। ये देखो, ये है मेन द्वार। यहाँ से ना हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे महादेव हैं। यहाँ ना का ऐसा बाबा जी का बेड वगैरह लगा रहता है। यहाँ देखो, चलो बाबू, आयुष तुम बॉटल पकड़ो। ओए जय, चोट लग गया मुंह में। चलो अब गाइस, हम जा रहे हैं साईं मंदिर। यहाँ है बाबा जी। गाइस यहाँ पे फूल देखो, फूल मतलब कितना सुंदर सुंदर यहाँ आश्रम में फूल रहता है ना।
और ना एक बात हम बताते हैं, पर इतना पेड़ है ना, पेड़ की वजह से यहाँ पे इतना ठंडक है ना, मतलब यहाँ से गेट से बाहर जाएंगे ना तो अजीब से गर्मी जैसा लगता है, बट यहाँ पे अजीब तरह का ठंडक, मतलब सुकून जैसा। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए हैं साई मंदिर, यहाँ हम लोग ले रहे हैं प्रसाद और फिर जाएंगे साई बाबा के दर्शन करने। जय बालाजी। आओ बाबू, चलो उतरो। कौन है? बप्पा मुरिया। जय बप्पा मुरिया। जय गणपति बप्पा। साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा। गाइस यहाँ पे है साईं बाबा का आराम करने का कक्ष, और यहाँ पे भी है। और चलो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, ये है श्री चित्रगुप्त मंदिर, यानी कि चित्रगुप्त जी का मंदिर। ये जो यमराज के साथ रहते हैं ना, उनका मंदिर है ये। कहीं आप देखे हैं चित्रगुप्त जी का मंदिर? कमेंट करके बताना। फोड़ो अच्छे से, जोर से मारो, दम जोर से। हट। ले, फूट गया। कहाँ पे रखे? मम्मी को दे दो। हमको तो डर लग रहा है उसमें गिर ना जाए, वो खुला हुआ है। ये देखो गाइस, अंश को ना चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ इसको चाहिए। ठीक है, आप इधर देख के बोलो। गाइज हम लोग आए हैं जगन्नाथ मंदिर। रथ पूजा से पहले हम लोग सोचे जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर तो दीदी चली ही जाएगी। हर हर महादेव। तो गाइस यहाँ जो हमारे बोकारो में जगन्नाथ मंदिर है, ये पूरी के ही जगन्नाथ मंदिर की तरह पूरा इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, पूरी के ही जगन्नाथ मंदिर की तरह। आप गौर से देखो तो आपको समझ भी आएगा। ये देखो, बालाजी इधर से बालाजी को छोड़ के उधर से देख रहा है बालाजी को। आ जाओ इधर से बालाजी को देखो। रुको, अभी बालाजी का दीदार होने दो। हो गया डन। तो काठी रखा हुआ है, कैसे बैठेगा? चलिए, सूर्य देव का मंदिर है गाइस। Thank you.
हैं हमारे नौ ग्रह। चलो गाइस, ये हैं विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार। तो गाइज, आपके साथ ना आज हम एक फैक्ट शेयर करते हैं। जो जगन्नाथ भगवान जी होते हैं उनकी आंखों पे ना पलके नहीं होती। आप कभी भी गौर करना, ये देखो इस वे भी आप गौर करो, उनकी आंखों पे पलके नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ भगवान जी कहते हैं कि अगर मैं पलके झपकाऊंगा तो मेरे भक्त इतने सारे आते हैं, कोई ना कोई छूट जाएगा, ओझल हो जाएगा मेरे आँखों से। इसी के लिए उनके आँखों पे पलके नहीं होते। इसी के लिए जगन्नाथ भगवान जी सबको देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं गाइस, हो गया हमारा दर्शन। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे कुछ खाने पीने। गाइस बहुत भूख लग गया है। हम लोग कब से 5 ही बजे से मंदिर का दर्शन करने निकले। अंश, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना मंदिर घूम के? चलो ठीक है। आई थिंक एक्सट्रीम लेवल ऑफ दर्शन। तब जब दीदी आती है तब मंदिर टूर व्लॉग तो बनता ही बनता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कहाँ आपसे मिलते हैं। फिर हम गए रेस्टोरेंट और हमने खाया डोसा। फिर हम लोग आ गए घर। अब देखो नेक्स्ट है। ये देखिए गाइस, अन सारा चावल गिरा दिया है। और ये देखो मछली का एक्वेरियम में भी चावल डाल दिया है और चिप्स भी डाल दिया है। क्या करें गाइस अब हम इस बच्चे का, आप ही बताओ। देखो तो जी, इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।